नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कुछ रोज पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें एक कलाकार की गोद में था एक बहुत ही छोटा सा बच्चा। कलाकार कर रही थी रियाज और बच्चा दे रहा था उस रियाज में उनका साथ। वो कलाकार थी प्रियंका बर्वे। रागगिरी ने भी वो वीडियो ट्वीट किया था, तो इसलिए आज हम सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रियंका बर्वे का और उसके बाद उनका परिचय आपको देंगे विस्तार से। लेकिन पहले प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शिवेंद्र जी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। आई हैड अ ग्रेट टाइम। और रागगिरी को मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने मेरा वीडियो मेरे बच्चे के साथ जो ट्वीट किया था और वो दोबारा वायरल हो गया, फिर सभी न्यूज़ ने वो दिखाया। तो थैंक यू फॉर मेकिंग अ नोट ऑफ आर स्मॉल मोमेंट। और बहुत ही अच्छा काम रागगिरी ये संस्था कर रही है, तो इस संस्था से ये मेरी पहली मुलाकात है और आई एम सो ग्लैड कि मैं इस संस्था से अभी जुड़ गई हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो जैसा मैंने कहा, प्रियंका बर्वे मराठी प्लेबैक सिंगिंग का बड़ा नाम है, भाव संगीत जो है उसका बड़ा नाम है, जाना माना नाम है। और संगीत की जो परंपरा है वो उनको मिली है विरासत में, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ओंकारनाथ ठाकुर जो बहुत बड़े कलाकार थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के, उनके शिष्य रहे। इसके अलावा ग्रैंडमदर में भी संगीत के संस्कार थे, तो वहाँ से शुरू हुआ जो संगीत के संस्कारों का सिलसिला वो पहुँच चुका है अब उनके अपने सफ़र तक। प्रियंका, इस सफ़र के बारे में बताइए। जैसे आपने कहा, ये मेरा सौभाग्य है, मैं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी पंडित पद्माकर बर्वे, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, एंड ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर एंड ही ऑल्सो यूज टू वर्क इन ऑल इंडिया रेडियो। मेरी दादी मालती पांडे बर्वे, वो बहुत ही मशहूर प्लेबैक सिंगर थी। मेरे पिताजी, वो भी एक क्लासिकल सिंगर है, और मेरी माँ एक जानी मानी कवयित्री है। तो मेरी परवरिश ही एक संगीत के माहौल में रही है, संगीत के संस्कारों में रही है। तो आई फील आई एम ब्लेस्ड। अच्छा प्रियंका, बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले ये समझना चाहेंगे कि वो जो वीडियो थी जिसके वायरल होने का जिक्र हमने शुरू में किया, वो वीडियो कैसे शूट हुई थी, क्या था आपके दिमाग में? निश्चित तौर पे ये नहीं रहा होगा कि ये आप गाएंगी तो बच्चा कैसे रेसिप्रोकेट करेगा, क्या आप ये जानना चाहती थी, या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि आप रियाज कर रही थी और बच्चा साथ में था? लेकिन वो वीडियो बनी कैसे थी, क्योंकि वो क्यों ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इट वॉज़ अ शेयर कोइंसिडेंस। मैं रियाज कर रही थी, अगले दिन मेरा एक प्रोग्राम था और युवान वहाँ पे खेल रहा था, मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे बैठे थे। मेरे हस्बैंड जो खुद एक बहुत ही बड़े सरोद आर्टिस्ट हैं, बहुत ही उम्दा म्यूजिशियन हैं, उनका नाम है सारंग कुलकर्णी। तो हम वहाँ पे थे और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने युवान को गोदी में ले लिया और मैंने सुर लगाना शुरू किया। मैंने जैसे गंधार लगाया, उसने गंधार लगाया, तो मेरे हस्बैंड ने वो मोमेंट कैप्चर कर दी। तो वो वीडियो आपने भी देखी होगी, उस बच्चे ने, वो तब 5 महीने का था तकरीबन, और उस बच्चे ने परफेक्ट सुर लगाए हैं। और मेरा जो रिएक्शन था वो उस वीडियो में आप सभी को दिख रहा है, क्योंकि आई वॉज ओनली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और एक बात बताऊंगी, उस वक्त उस बच्चे का दिमाग इतना ज़्यादा काम कर रहा था, वो इतना फोकस था सुर लगाने में, जैसे भी वो वीडियो ख़त्म हुई है वो मेरे गोदी में सो गया। तो मैं और सारंग उसके बाद दोनों भी ऐसे, क्या बोलूँ, आश्चर्यचकित हो गए। हमारे लिए इट वॉज़ अ मोमेंट टू यू नो चेरिश फॉर एवर। और हम दोनों ऐसा ही सोच रहे थे कि ये अभी क्या हुआ है, ये क्या था। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने प्रियंका। दरअसल रागगिरी हमेशा से ये कोशिश करता है, ये संदेश देता है कि वो कलाकार जो अपने कोरोना के पहले जो बड़े कार्यक्रम होते थे उसमें अक्सर मैं देखता था कि कलाकार लिखते थे कि 8 साल से छोटे बच्चों का प्रवेश मना है या उनको साथ लेकर ना आए। और मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि अगर बच्चे 8 साल की उम्र तक क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम्स को देखेंगे ही नहीं तो फिर अवेयरनेस कैसे होगी, क्योंकि 8 साल की उम्र में आज के ज़माने में जो एक्सपोजर है बच्चों का वो बहुत बढ़ चुका होता है। तो मेरे ख्याल से सहमत होंगी आप इस बात से। जी बिल्कुल। हालांकि इस जनरेशन के जो बच्चे हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा शार्प है, और हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ उनके लिए बहुत कठिन होगी, लेकिन द वे दे लुक एट थिंग्स,
वो इतने सिंप्लीफाइड वे में उस चीज को देखते हैं और हमें भी वो कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं, ऐसी कठिन चीजें बोल देते हैं या कर देते हैं। और 8 तक के बच्चों को तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो ब्रेन रहता है वो इतना शार्प रहता है इस उम्र में। और मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मेरे ससुराल में भी सारे लोग संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं। मेरे फादर इन लॉ इज अ वेल नोन सरोद आर्टिस्ट, हिज नेम इज पंडित राजन कुलकर्णी। माई मदर इन लॉ शी इज ऑल्सो सिंगर, माई सिस्टर इन लॉ इज ऑल्सो सिंगर, माई सिस्टर इज ऑल्सो वेस्टर्न सिंगर। तो आपको आइडिया आया ही होगा कि युवान के ऊपर अभी इन दोनों घरों में, दोनों घरों से म्यूजिक के संस्कार हो रहे हैं। वो उसका जो खेलना होता है वो टॉयज से कम खेलता है और सुरों से ज्यादा खेलता है। जिसके भी पास वो रहता है, अलग अलग प्रकार का संगीत उसके कानों पर पड़ रहा है। और आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो हैप्पी कि यू नो इतनी कम उम्र में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स म्यूजिक भी वो सुन लेता है और बहुत शांति से सुनता है। बहुत छोटा था, 1-2 महीने का था, तब से वो क्लासिकल म्यूजिक सुनते आ रहा है। तो ऐसे बच्चों का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, और मुझे लगता है ये पीरियड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है जो हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो प्रियंका, कुछ अब सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। कोई भजन जो आप हमें सुनाना चाहें, ताकि इस इंटरव्यू की जो गाने की शुरुआत है वो थोड़ा सा भक्ति के साथ शुरू हो। अच्छा, विधिवत अगर संगीत की तालीम की बात की जाए प्रियंका, तो किस तरह से आपका जो एक तो शुरुआती, जैसा मैंने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में, कि संस्कार घर में ही मिले, लेकिन उसके बाद खुद संगीत सीखना है, विधिवत तरीके से सीखना है, ये सारे फैसले कैसे हुए और कौन कौन से गुरु इन फैसले के बीच में आपके लिए आपसे जुड़ते गए या आप उनसे जुड़ती गई कहना चाहिए मुझे, और आपकी संगीत सफर जो है वो एक सही रास्ते पर, सही पटरी पर चलना शुरू हुआ? जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं एक म्यूजिकल फैमिली से हूँ। जैसे मैं अभी युवान के लिए गाना गाती हूँ, उसको सुलवाती हूँ, वैसे मुझे मेरी दादी मेरे लिए गाना गाया करती थी। और तभी से उसके गाने मेरे कानों पे पड़ते थे और तभी से मुझे लगता है संगीत के जो संस्कार हैं वो तभी से मेरे ऊपर शुरू हुए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारी पहली गुरु जो होती है वो हमारी माँ होती है। और मेरी माँ ने भी सिर्फ संगीत नहीं लेकिन अन्य कलाओं की खूबसूरती से मुझे वाकिफ किया। फिर मैंने मेरे पिताजी से सीखना शुरू किया। मेरे दादाजी की बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर बंदिशें उन्होंने
खुद कंपोज की है, खुद लिखी है ब्रज भाषा में, तो वो उन्होंने, मैंने उनके पास सीखना शुरू किया. और फिर आई स्टार्टेड लर्निंग प्रॉपर क्लासिकल सीरियसली फ्रॉम श्रीमती माधुरी ताई जोशी, जो पूना से ही है. और उसके बाद मैं मिली, मेरी मुलाकात हुई रवि दाते जी से, जिन्होंने मेरी मुलाकात गज़लों की दुनिया से की, मुझे गज़लों की दुनिया से वाकिफ़ किया. और उनकी बहुत सुंदर सुंदर कॉम्पोजिशंस मुझे सिखाई, अपनी बेटी मानकर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सिखाई. और मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा है कि मेरी संगत बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ रही है. उनमें से एक है राहुल देशपांडे जी, जो कि वो खुद एक बहुत फेमस क्लासिकल सिंगर है. मैंने उनके साथ बहुत परफॉर्म मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारे म्यूजिकल प्लेज, मराठी संगीत नाटक मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, तो उनका भी गाइडेंस मुझे मिलते आ रहा है. उन्होंने मुझे संगीत नाटक में, संगीत नाट्य संगीत की शिक्षा मैंने उनसे पाई है. और मुझे संगीत सुनना ही अपने आप एक सबसे बड़ी शिक्षा है, तो ये भी मैं मानती हूँ. तो ऐसे आई फील ब्लेस्ड कि मेरे ज़िंदगी में अच्छे अच्छे लोग आए हैं. मेरे जो पति हैं सारंग कुलकर्णी, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्लासिकल म्यूजिशियन, तो मैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ. तो यस. और गज़लों के लिए तो आपने बहुत मतलब बाकायदा बहुत ख़ास तालीम ली है, और गज़लें तो आपके दिल के बहुत करीब भी हैं. तो कोई ये गज़ल सुनाइए, और ये भी बताइए कि गज़लों को सीखने का सिलसिला या गज़लों में दिलचस्पी का सिलसिला जो था वो कैसे शुरू हुआ था. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गज़ल तो आपकी ज़िंदगी में वो उस कैसेट से आई जो आपके पिता ने आपको गिफ्ट की थी, ये किस्सा सही है? अगर सही है तो ये किस्सा क्या था, ज़रा बताइए. जी ज़रूर. मैं अभी भी एक छोटी स्टूडेंट हूँ गज़ल की, और अभी भी मेरी शिक्षा शुरू है. लेकिन गज़ल से मेरी मुलाकात हुई जब मेरे पिताजी ने मुझे एक कैसेट गिफ्ट की थी हरिहरन जी की, उसका नाम था काश. आई वॉज इन 10th और 11th स्टैंडर्ड में भी, और मुझे प्यार हो गया उस सिंगिंग फॉर्म से. और मैं और मेरे पापा, हम दिन रात वो कैसेट सुनते थे, और सब गज़लें हम याद करते रहते थे. तो जब भी कोई मेहमान आता था घर पे, मैं हारमोनियम लेके बैठती थी और कोशिश करती थी हारमोनियम बजाने की, और गज़लें उनको सुनाती रहती थी. और लकीली उसी टाइम मेरी मुलाकात हुई रवि दाते जी से, और फिर उनके पास मैंने गज़ल का शिक्षण शुरू किया. आप हरिहरन साहब की बहुत फ़ैन हैं, बहुत मुरीद रही हैं उनकी गज़ल गायकी की, और कम लोग जानते हैं. प्लेबैक सिंगर के तौर पे तो हरिहरन साहब को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अब आज की पीढ़ी में बहुत से लोग हैं ऐसे जो शायद नहीं जानते होंगे कि हरिहरन साहब की गज़लें भी बहुत मशहूर हुई थी. कोई उनकी एक गज़ल तो ज़रूर मैं हरिहरन जी की एक गज़ल सुनाना चाहूँगी, उसी एल्बम से है, काश से. झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगती नहीं, देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगती नहीं, फूल के दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी, फूल के दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले. मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा, मैं 3-4 नाम लेता हूं
और आपसे गुजारिश करता हूं कि इन सबका सबकी कुछ कुछ चीजें जो आप हमें सुनाना चाहें, कुछ कुछ लाइन ही सही, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब और उसके अलावा बेगम अख्तर, जो आपके दिल के करीब हो, इनकी कोई एक चीज जो आप हमें सुनाना चाहें अभी। मेहदी हसन साहब की गजल सुनाती हूँ। धसा रे मगन सारे ने धनी पर धसा गुलों में रंग हरे बादलों बहार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले दिल के चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका हम है के बहुत देर में बर्बाद किया हमको किसके हमने मारा हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही किसने तोड़ा दिल हमारा किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही किसने तोड़ा दिल हमारा किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही बेगम अख्तर साहिबा की ये बेहतरीन गजल है मोहब्बत और उसके बाद शोभा गुरुकुल जी ने गाई हुई एक इसी राग में गाई हुई मराठी गजल आपके लिए पेश करती हूँ जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया आया है ऐ मोहब्बत उघड़ा पुनः जहाँ उघड़ा पुनः जहाँ
जखमा उरातल्या फुलवी तुझा स्मृतीचा कलिका मनातल्या उघड्या पुन्हा झाल्या जखमा उरातल्या फुलवी तुझा स्मृतीचा कलिका मनातल्या उघड्या पुन्हा झाल्या। अच्छा प्रियंका, अगर आपका जो एक और बड़ा परिचय है वो भी देना जरूरी है कि जो मुगले आजम का मैजिकल और म्यूजिकल शो होता है जिसको कहा जाना चाहिए, उसमें आप करती हैं अनारकली का रोल, तो वो तो मतलब म्यूजिक के लिहाज से ही नहीं, वैसे भी बहुत बड़ी फिल्म है भारतीय फिल्म इतिहास के लिहाज से बात की जाए तो, लेकिन उस फिल्म से कोई गाना और साथ ही साथ एक्टिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है उस पर भी बताइए हमें। जी फिरोज अब्बास खान ने दिग्दर्शित किया हुआ ये भारत का पहला बिगेस्ट म्यूजिकल ब्रॉडवे है, जिसमें मुगले आजम, जिसमें मैं अनारकली का किरदार निभाती हूँ, और इस किरदार के लिए मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिला है, बहुत लोगों ने सराहा है, बल्कि मुझे ही नहीं इस प्ले को बहुत सारा प्यार मिला है। और हम लोगों ने इस प्ले के 150 से ज़्यादा शोज़ किए हैं भारत में और भारत के बाहर भी, तो अभिनय करना ये मेरे लिए नई बात नहीं थी इस प्ले के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं, जैसे मैंने कहा, राहुल देशपांडे जी के साथ मैं संगीत नाटक करते आई हुई हूँ। तो लेकिन इस प्ले में मुझे गाना था, उसके साथ अभिनय भी करना था और डांस भी करना था। कथक की तालीम मैं जब बहुत छोटी थी तभी ली थी, तो वो मुझे यहाँ पे काम आई। तो हाँ, ये तीन रोल्स मुझे निभाने हैं, जो कि है सिंगिंग, उसके साथ डांसिंग और अभिनय। तो बहुत ही चैलेंजिंग ये रोल था मेरे लिए, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने क्या बोलूँ, टेक्निकली ये बहुत साउंड है, और मनीष मल्होत्रा के कॉस्ट्यूम्स हैं, मयूरी उपाध्याय के ने कोरियोग्राफी की है, तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना ये सचमुच मेरा सौभाग्य है। और उसमें से एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो गाती हूँ आपके लिए। मधुबाला जी ने किया हुआ ये रोल, जिसको प्लेबैक दिया है लता जी ने, तो मोहे पन घट पे नंदे लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे आ मोरी नाजुक कलैया मारोर गयो रे, पन घट पे कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी, कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी, हो गगरिया फोर डारी, हाँ हाँ मुरी सारी अनारी भीगो गयो रे, मोरी सारी अनारी भीगो गयो रे, मोहे पन घट अजी हाँ, मोहे पन घट आ मोहे पन घट पे नंदलाल
प्रियंका, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रागगिरी की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका संगीत सफर यूं ही चलता रहे, और आपके जो बच्चे की बात जो आपने बताई उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। वो संगीत सीखेगा नहीं सीखेगा ये तो बहुत बात की बात है, बहुत ही दूर की बात है, लेकिन कम से कम संगीत के संस्कार जिस तरह से आप उसको दे रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरत सिलसिला जो है चलता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।